डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जैसे हम लोगों ने कल ही 10 टॉपिक्स के रूप में ऑप्ट किया है यानी चुना है। ये दो टॉपिक्स हैं क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। 1940 के दशक में ऐसे कौन से कारण थे कि अंग्रेजी सरकार, जो ये कहती थी कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में सोचना भी पाप है, उसने दो दो बड़े मिशंस भारत भेजे। इसके पीछे के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कारणों को समझेंगे, साथ ही ये जानेंगे कि किसने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया था, किसने पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाया था, किसने कितना कुछ कहा, उसके पीछे के कारणों, प्रस्तावों और उनके परिणामों को अभी इस छोटे से सेशन में जानेंगे और समझेंगे। दरअसल 23 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा भारतीय नेताओं से राजनीतिक सुधारों पर बात करने के लिए। विंस्टन चर्चिल कहते थे कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात करना भी पाप है। तो इसके पीछे दरअसल कारण यह था कि इंटरनेशनल अरेना में इस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिश आर्मी कई मोर्चों पर युद्धरत थी, साथ ही जापान इस वक्त एक उभरती हुई शक्ति के रूप में उभरा था, उसने पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया, साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे अपने प्रभाव को बढ़ाया था, बर्मा तक ये पहुंच गई थी, यहाँ तक के नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों तक भी जापानी आर्मी अपनी चढ़ाई कर रही थी। ऐसे में ब्रिटिश आर्मी, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक थे, भारतीयों का समर्थन लेना ज़रूरी हो गया था। साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अपने मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भी दबाव झेलना पड़ रहा था। खासकर अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने चर्चिल को कहा था कि आपको भारतीय नेताओं से राजनीतिक सुधारों पर बात करना चाहिए। इन्हीं सब परिणामों से साथ ही देश के अंदर भी राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा था। इस वक्त व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही आक्रामक होती जा रही थी। इन सब ने विंस्टन चर्चिल को मजबूर किया कि वो भारतीय नेताओं के साथ बातचीत को आगे बढ़ाए। नतीजा हुआ कि 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली आया। इसने भारतीय नेताओं से, अलग अलग समूहों से बातें की। इसके 3 रिकमेंडेशंस आपको ध्यान में रखने चाहिए। एक, इसने कहा कि वो भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि उन्हें राजनीतिक अधिकार तो मिलेंगे लेकिन अंग्रेजी संरक्षण में, यानी सर्वे सर्वा होंगे वायसराय, यानी सिग्नेचर फाइनल करेंगे वायसराय, तभी कोई भी कानून पास होगा। दूसरी सारी, जिसमें से रक्षा, विदेश और संचार, यानी डिफेंस, फॉरेन और कम्युनिकेशन, ये सारे अधिकार वायसराय के हाथ में होने थे। तो पहला पॉइंट जो क्रिप्स मिशन ने कहा कि वो डोमिनियन स्टेटस देगी, स्वतंत्रता नहीं। दूसरा पॉइंट, क्रिप्स मिशन ने कहा कि वो भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को के सदस्यों से उसके संविधान यानी भारत के संविधान के निर्माण में सहायता करेगी। और तीसरा बात जो इसने कहा, जो बड़े दूरगामी थे, जिसके असर होने वाले थे, उसने कहा कि जो भारत का संविधान संविधान निर्मात्री सभा बनाएगी, उसे मानना या ना मानना भारतीय प्रांतों की इच्छा पर निर्भर होगा। इस तरह से धीरे से क्रिप्स मिशन ने पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ा दिया। तो ये दरअसल क्रिप्स मिशन 3-3 प्रस्तावों के रूप में सामने आई, लेकिन इस सब के साथ उसने ये भी कहा कि ये सब बातें विश्व युद्ध की समाप्ति पर होंगी। मतलब सारे जो बातें हैं उसका असर दिखेगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दरअसल दोनों ने अलग अलग कारणों से इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस जो स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, उसे इसमें कुछ भी नहीं दिखा। साथ ही पाकिस्तान की मांग को सीधे तौर पर क्रिप्स मिशन ने नहीं माना, तो मुस्लिम लीग भी नाराज हो गई। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तर तिथि चेक कहकर खारिज कर दिया, जिसे बाद में किसी ने डूबते हुए बैंक पर जोड़ दिया। यानी एक तो उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक ऐसा चेक होता है जिसे आज नहीं बाद में भंजाया जा सकता है, इनकैश किया जा सकता है, और साथ ही जब यह जोड़ दिया गया कि डूबते हुए बैंक, तो बाद में चेक अगर इनकैश किया जाएगा और बैंक भी डूबता हुआ है, तो ये बड़ा फनी सिचुएशन है। मतलब ये कि क्रिप्स मिशन असफल हो गया, यहाँ से वापस गया, उसने जाते ही चर्चिल से कहा कि भारतीयों में तो एकजुटता नहीं है, कोई भी इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। विंस्टन चर्चिल खुश हुए, चूँकि उन्होंने आधे अधूरे मन से इस मिशन को भेजा ही था। उन्होंने रूजवेल्ट को समझा दिया कि भारतीय एकमत नहीं है।
तो इस तरह से क्रिप्स मिशन समाप्त हो गया। तीन बातें इसकी ध्यान में हमें रखनी है, एक इसने डोमिनियन स्टेटस की बात की, दूसरा इसने भारतीयों का अपना संविधान बनाने की बात की जिसके लिए संविधान सभा के निर्माण की बात थी, और साथ में इसने कहा कि इसे मानना ना मानना प्रांतों की इच्छा पर निर्भर होगा। यही कारण है कि ये असफल होकर वापस चला गया, आधे अधूरे मन से आया था, इसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर, उत्तर तिथि चेक कहकर खारिज कर दिया। दूसरा है कैबिनेट मिशन। 1946 में 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें तीन कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, जिसमें एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सचिव पैथिक लॉरेंस थे। इन तीनों के सम्मिलित रूप के साथ, सम्मिलित प्रभाव के साथ, समूह के साथ ये कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसे जिसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर थे। दिल्ली पहुंचा, भारतीय लोगों से इसने बातें की। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने हम अभी रखेंगे, जिसका जवाब आप जानते हैं तो अभी तत्काल दें, इफ बट नहीं, सही सही जवाब कि कैबिनेट मिशन का हेड कौन था, कौन इसका अध्यक्ष था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें अभी तत्काल। चलिए, कैबिनेट मिशन जब आया तो इसने भारतीय नेताओं से बात की, ये क्यों आया, क्या कारण थे कि इसे भेजा गया। दरअसल 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल में बदलाव हो गया था, 1945 में वहां चुनाव हुए और कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल बुरी तरह हार गए, तब लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखें कि इस वक्त ब्रिटेन में वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, और भारत में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल के बाद एटली, और वहाँ के सम्राट इस वक्त थे, महारानी नहीं, इस वक्त वहाँ के ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज षष्ठ, यानी भारत की स्वतंत्रता, और इस वक्त जो ब्रिटेन के सम्राट थे वो जॉर्ज षष्ठम यानी सिक्स थे, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। कैबिनेट मिशन इसलिए आया कि क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के हेड थे, प्रधानमंत्री अभी बने थे, उनकी भारतीय नेताओं के साथ अच्छी बनती थी, अच्छे संबंध थे, इसलिए जब क्लीमेंट एटली आए तो उन्होंने आते ही वेवेल को, जो वायसराय थे भारत के, उन्हें लंदन बुलाया और कहा कि अब भारतीयों को स्वतंत्रता दे देनी है, इस पर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। नतीजा हुआ वेवेल यहाँ आए, आकर के उन्होंने माहौल बनाया, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, मिशन ने भारतीय नेताओं से बातें की। इसकी भी तीन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक, इसने कहा कि सही है, भारतीयों को अपना शासन चलाने के लिए सबसे पहले एक संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करना चाहिए, जिसमें देसी रियासतों और राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसने भारत की बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सबकी जनता को सबके स्टेट्स पर जहाँ जहाँ जिसकी मेजोरिटी थी उसी आधार पर राज्यों को तीन ग्रुप में बांटा, मतलब ये कि हिंदू बहुल क्षेत्र को, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आपको मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, ये सब थे जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे, उनको मिलाकर ग्रुप ए बनाया। मिक्स्ड पॉपुलेशन के पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जिसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहते हैं, इन तीनों को, जिसमें मिक्स्ड जनसंख्या थी, ग्रुप बी बनाया। ग्रुप सी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र बंगाल और असम को रखा, और इन सबों को ये आज़ादी थी कि वे अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। ये दरअसल देश के निर्माण के आरंभ की प्रक्रिया थी, इसलिए सभी को संतुष्ट करने के लिए ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई गई जिसमें दरअसल एक केंद्र, मजबूत केंद्र के अधीन ये सारी बातें थी। तो ये दूसरा पॉइंट इसने कहा। साथ ही कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारतीयों को एक अंतरिम सरकार, इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए एक अंतरिम गवर्नमेंट का निर्माण करना होगा, यानी तात्कालिक सरकार, अंतरिम सरकार के गठन के बात इसने की, जो दरअसल 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी, और ये भारत की पहली अंतरिम सरकार थी जिसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल होना था, लेकिन जब मुस्लिम लीग को लगा कि उसका प्रतिनिधित्व कमज़ोर है तो उसने कहा कि वो अब प्रत्यक्ष कार्रवाई करेगी, यानी मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति देते हुए कहा कि अब सड़क पर निर्णय होगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई होगी, डायरेक्ट एक्शन डे के लिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने इसे डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया कि अब सड़क पे ही सीधी कार्रवाई होगी। पूरे भारत में बड़े दंगे हुए, अंत में लास्ट में वायसराय के कहने पर मुस्लिम लीग भी मान गई और अंतरिम सरकार में शामिल हुई।
यानी जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग भी बाद में शामिल हुई। तो दरअसल कैबिनेट मिशन ने 3 बड़े प्रस्ताव किए, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक, इसने संविधान सभा के निर्माण की बातें की जिसमें राज्यों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे। दूसरा, इसने समूहों में बांटकर राज्यों का वर्गीकरण किया। तीसरा, इसने कहा कि अंतरिम सरकार का निर्माण हो ताकि आगे की जो सारी प्रक्रिया है उसका दिशा निर्देशन करने वाली कोई संस्था हो। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को थोड़े बहुत झिझक के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस इसलिए खुश थी कि इसमें पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया था। मुस्लिम लीग इसलिए तैयार हो गई, कुछ तो मजबूरियों के कारण और कुछ इसलिए कि इसमें एक कमजोर केंद्र के साथ राज्यों की स्वायत्तता की बात की गई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव सबके लिए मान्य हो गए। एक कारण यह था कि इसमें भारत की स्वतंत्रता के लिए आधारभूमि तैयार की गई थी। अंग्रेजों ने यह अब मान लिया था कि भारत को अब बहुत दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता, जिसके परिणाम बाद में दिखाई दिए। तो आपको इस तरह से कृत मिशन और कैबिनेट मिशन को समझना चाहिए, कृत मिशन के 3 प्रस्तावों को और कैबिनेट मिशन के भी इसी तरह के 3 प्रस्तावों को। दोनों में अंतर यह था कि कैबिनेट मिशन के प्लान में पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था, जबकि कृत मिशन में पाकिस्तान के निर्माण के लिए हल्के से धीरे से जगह बना दी गई थी। इस तरह से समझते हुए आप पढ़ें। उम्मीद है कि टॉपिक्स को आपने थोड़ा बहुत समझा होगा। नेक्स्ट टॉपिक अगली बार कोई नए एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेंगे। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें। टेक केयर।